अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने लाइट रूम प्रीसेट या DNG फाइल को LUT फाइल में कन्वर्ट करके VN ऐप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इसका ट्यूटोरियल दूंगा, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने लाइट रूम के प्रीसेट TNG फाइल को कैसे LUT में कन्वर्ट करके और VN ऐप में इंस्टॉल करके ऐसे फिल्टर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहले दफा हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को वीडियो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है। लाइट रूम ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, आप देख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करके, और ये हमारे पास एक PNG है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली, तो आपने ये ऐड कर लेनी है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। ये PNG है तो इसको आपने क्या करना है, पहले आपने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है और फिर इसको आपने लाइट रूम में इम्पोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना कोई सा भी प्रीसेट ले लेना है या DNG फाइल ले लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास पहले एक प्रीसेट हमारे सेफ मैंने किए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत सारे प्रीसेट हैं। इस पर पहले मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। 45 भी हैं प्लस और 500 प्लस हैं और विविड फिल्टर हैं, ये 5 हैं। तो इन पर मैं बना चुका हूँ, आप अपने हिसाब से जौन सा आप करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मेरे पास प्रीसेट है विविड फिल्टर वाला, तो मैं इस पर टाइप करूँगा और ये इस पर विविड फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। कैंसिल करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रीसेट इसको कर लेना है। ये हमारे तमाम चीज़ें रीसेट हैं और आपने एक दफ़ा इसको रीसेट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने अपनी कोई सी भी DNG फाइल ले लेनी है। तो जैसे कि मेरे पास ये DNG फाइल है और ये आप देख सकते हैं ये हमारा येलो ट्यून में है, ये हमारा येलो ट्यून में आपके पीछे शो हो रहा है। तो ये इसको क्या करते हैं, आपने 3 डॉट पे टैप करके और इसकी कॉपी सेटिंग आपने कर लेनी। कॉपी सेटिंग करने के बाद आपके पास ये कुछ ऐसा होगा, तो आपने इसकी तमाम ऐसे ही करके जितने इसकी ओरिजिनल सेटिंग है आपने इसको ओके कर लेना। अभी आपकी सेटिंग कॉपी हो गई है, उसके बाद आपने बैक कर लेना। बैक करने के बाद आपने PNG पे टैप करना है। तो इस पर टैप करने के बाद आपने 3 डॉट पर दोबारा फिर टैप करना है और पेस्ट सेटिंग आपने कर लेनी है। पेस्ट सेटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो आप अपने हिसाब से अगर आप प्रीसेट चाहते हैं तो प्रीसेट ऐड करके वो भी कर सकते हैं। अगर आप DNG फाइल आपको कोई है आपके पास है वरना आपको YouTube पे बहुत सारी DNG फाइल मिल जाएंगी, प्रीसेट पहले से बने होते हैं, तो आपने वो डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना, जस्ट इसको सेव कर लेना है। उसके लिए आपके ऊपर सेव वाला आइकन शो है, तो आपने इस पर टैप करके और सेव टू डिवाइस कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्योंकि मेरे पास क्रोम है। आप अपने हिसाब से जो सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं आपने वो क्या करना है ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च बार में आकर करना है ऑनलाइन LUT क्रिएटर, तो आपने ये कर लेना। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपके पास कुछ तो इंटरफेस होगा, तो आपने क्या करना है ऑनलाइन LUT क्रिएटर पर टैप कर लेना है जो आपके पास पहली वेबसाइट है। तो आपने सबसे पहले इसमें अपना कोई सा भी जो है वो अपना रजिस्टर्ड हो जाना है, यानी कि अपना आपने अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट बनाने के बाद आपके पास ये शो हो रहा है क्रिएट योर LUT, तो आपने इस पर टैप कर लेना है। इस पर टैप करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये आपके पास हो रहा है सब पहले नंबर पे है डाउनलोड PNG। तो ये आप मैंने जो आपको PNG दी है वो यहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आप चाहें वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या चाहें यहाँ से डाउनलोड कर लें। उसके बाद दूसरे नंबर पर शो हो रहा है अपलोड एडिट PNG, तो आपने इस पर टैप करना है और जो अभी आपने PNG जो है वो बनाई थी आपने इसको ऐड कर लेना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट LUT पे आपने टैप करना है और ये आपका LUT जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जनरेट LUT। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मे बी 10 सेकंड ये लेता है जनरेट करने में। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया, डू यू वेंट टू डाउनलोड ऑनलाइन LUT क्रिएटेड .cube अगेन। तो मैंने पहले भी किया हुआ था, मैं उसको दोबारा फिर डाउनलोड पर टैप करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे नोटिफिकेशन आ गया कि आपका जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है फिर मैं आपको बताता हूँ आपने आगे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये डाउनलोड हो चुका है ऑनलाइन LUT क्रिएट 1.cube. तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने बैक कर लेना है और अपना VN ऐप को ओपन कर लेना है। तो VN ऐप अगर आपके पास नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, तो आपके पास ये सबसे ऊपर शो हो रहा है ट्यूटोरियल टेम्पलेट और फिल्टर, आपने फिल्टर में आ जाना है। फिल्टर पे टैप करने के बाद
आप देख सकते हैं ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें फ़िल्टर दिए थे, तो ये मेरे तमाम ऐड हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपने वो वीडियो देख लेनी है, और ये तमाम जो है वो फ़िल्टर डाउनलोड आपने कर लेने। उसके बाद अभी आपने क्या करना है, प्लस पे टैप करना है। प्लस पे टैप करने के बाद आपने फ़ाइल मैनेजर में आ जाना है। तो फाइल मैनेजर में आने के बाद आपने अपना वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपके वो लट पड़े हुए हैं। तो मेरे पास चूँकि मैंने डाउनलोड किए हैं तो मेरे पास डाउनलोड फ़ोल्डर में है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास और शोर है ऑनलाइन लट क्रिएटर, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास सक्सेसफुली इम्पोर्ट वन फिल्टर, तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा शोर है ऑनलाइन लट। तो ये जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है, मैं आपको अभी प्ले करके चेक करा देता हूँ। उसके बाद आपने बैक आना और अपनी कोई सी भी वीडियो ले रही है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वीडियो ऐड हुई हुई है, तो मैं इस पर आपको चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल वीडियो है, अभी ये ग्रीन ट्यून में है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास सेकेंड नंबर पर शोर है फिल्टर, तो आपने फ़िल्टर में आ जाना है। तो अभी आप यहाँ से ढूंढ लेते हैं हमारा जो है फ़िल्टर, हमें ऐड किया था ऑनलाइन डेट क्रिएटर वाला। तो ये आप देख सकते हैं आपके भी आप शोर है ये वाला, ये येलो ट्यून में है। तो इसको अभी टैप करते हैं, टैप करने के बाद आप देखते हैं ये हमारा तमाम वीडियो में ये येलो ट्यून आ चुकी है। तो आप अपने हिसाब से जो सा आप करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने एग्जांपल के लिए यही कर लिया। आप अपने हिसाब से कोई और करना चाहते हैं आपने वो कर लेना है जो आपको बेस्ट लगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा बिल्कुल ओरिजिनल है, और ये इसको 100 पे करेंगे और ये हमारी तमाम येलो ट्यून में आ गई। उसके बाद जब आपके पास शोर एडजस्टमेंट, तो आप इसका एडजस्टमेंट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं ये हमारा कम ज़्यादा भी हो रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब तमाम चीज़ें आपके पास शोर हैं, अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं खुद से मैनुअली एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने उसको कैंसिल कर दिया था, मैं एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहा, जस्ट मैंने इसको यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये अभी हमारी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, इसमें येलो ट्यून तमाम जो है वो ऐड हो चुका है। तो पहले भी मैंने आपको दिखाया था, अभी भी आप देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप। तो आप अपने हिसाब से जो सा आप लगाना चाहते, तो आप कोई सा भी जो है लाइट रूम का प्रीसेट है, DNG फाइल है, तो उसको आपने क्या करना है लट में जनरेट करके और आप अपने VN फिल्टर में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है मुकम्मल बन चुकी है हमारी वीडियो, इसमें कलर ग्रेडिंग हो चुकी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसके बाद जस्ट आपने क्या करना है इसको अपने हिसाब से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आएँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।